बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मेहर सन और आज मैं बना रही हूँ देसी चिकन का वाइट पुलाव। तो यही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा देसी चिकन ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि दूसरी मुर्गी मैं इस्तेमाल करती हूँ लेकिन बहुत कम, ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसी में मैंने वाइट पुलाव बनाया, बहुत मज़े का बना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे पहले जो काम किया था, मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि देसी चिकन को उबालना होता है, उसकी यखनी तैयार करनी होती है। तो मैंने चिकन धो के तो उसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर दिया था। और ये है जी सौंफ है, थोड़ी सी बादियान के फूल हैं और दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चम्मच मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया था और यखनी तैयार कर ली थी। और ये मेरी यखनी जो है ये बनके तैयार हो गई थी। इससे जो पुलाव बनता है बहुत मज़े का बनता है, क्योंकि इसमें चिकन का टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी चावल बने थे मेरे। ये मैंने 10 से 20 मिनट इसको स्टीम लगा लिया था और ये देखिए ये बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मटर इसमें ऐड किए थे, ये मेरे तकरीबन 700 ग्राम चावल हैं, इनको मैंने भिगो लिया था, और 1 पाव मटर हैं, हरी मिर्ची हैं और थोड़ा सा पुदीना था, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, और ये जिंजर है जी, इसको भी मैंने इसका पेस्ट बनाया है, और ये है नमक, काली मिर्च है, और ये जो रेड मिर्च है इसको दादड़ मिर्च भी कहते हैं। ये वैसे ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, मुझे कलर अच्छा लगता है इसमें तो इसलिए मैं डालती हूँ। यही स्पाइसी इसमें डालेंगे बस, और आयल है तकरीबन मैंने 1 कप भर के आयल डाल लिया था, छोटा कप, क्योंकि ये देसी चिकन में भी ऑलरेडी यहनी में भी आयल होगा। और ये अदरक है, इसको मैंने हल्का सा बस ब्राउन करना है, और इसके अंदर मैंने मटर ऐड कर दिए, और इनको मैं 4 से 5 मिनट तक भूनूंगी। और ये है जी काली मिर्च, दादड़ मिर्च और नमक, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल वाइट पुलाव है क्योंकि इसमें अनियन का मैंने वो तड़का वगैरह नहीं लगाया है, बस अदरक डाली थी। और ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो मोटे मसाले थे जितने भी, जैसे बादियान का फूल था, दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची, ये सब मैंने यहनी में डाल के, तो उसकी यहनी तैयार कर ली थी चिकन में डाल के पहले ही ना। और अब मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, तो इसको मैं 5 से 10 मिनट तक भूनूंगी। और ये पुदीना और हरी मिर्च की जो चटनी थी ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, पेस्ट ही बना लिया था मैंने। Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built
to thrive, yeah. ये कुछ भी नहीं इसमें, रेड मिर्च हल्दी वगैरह कुछ नहीं ऐड होना, क्योंकि है ही वाइट पुलाव, तो फिर वाइट पुलाव में आप, ये तो वैसे मटन का भी बन जाता है, बीफ का भी बनाते हैं लोग बास, और बास दूसरे चिकन का भी बनता है, लेकिन इसका अपना ही टेस्ट है देसी चिकन का, तो हमें वैसे भी बहुत पसंद है। आपको ज़्यादा डिशेज नज़र आती होंगी मेरे चैनल पर देसी चिकन की, तो हम तो अगर ना मिल रहा हो तो ढूंढ ढूंढ के भी लाते हैं। तो ये देखिए वाइट पुलाव जो है ना, ये बन के तैयार हो गया। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगाऊंगी और इसमें थोड़ा सा मैं कलर भी डालूंगी, फूड कलर जो होता है। तो लें जी, मेरा देसी चिकन का वाइट पुलाव जो है वो बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमेशा की तरह आप खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।